किसान संघर्ष समिति रतिया ब्लॉक की एक मीटिंग की गई, जिसमें किसानों ने अपने ऊपर दर्ज धान की पराली जलाने के मामलों को तत्काल सरकार से वापस लेने की मांग की गई। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नाथवान ने कहा कि प्रदूषण के लिए किसान नहीं, सरकार जिम्मेदार है। पिछले 3 सालों से लगातार किसान पराली के समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष सरकार ने धान की पराली खरीदने का बयान भी दिया था, मगर पराली नहीं खरीदी गई। यदि सरकार किसानों को सभी संसाधन उपलब्ध करवाए तो किसान पराली को आग नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानती तो किसान सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। ਸੀਆਈਡੀ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰਤੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, पराली का 3 सालों तो किसान मांग कर रहे थे भी सरकार प्रबंध करे। पिछली बारी सरकार ने एक बयान दिता सीगा भी असीं पराली किसान की खरीदा, मगर वो बयान जुमला साबित होया, किसानों की पराली सरकार ने नहीं खरीदी और किसानों कोई कोई संयंत्र नहीं दिते, कोई साधन नहीं दिते, इसलिए किसानों दोषी बनाया जा रहा। सरकार अपनी जिम्मेदारी तो भज रही है, जो काम सरकार ने करना सीगा वो सरकार कर नहीं पाई और अपना कोर्ट चो जान बचाने वास्ते वो किसानों दोषी बना रही कि किसानों ने प्रदूषण किया। किसानों ने प्रदूषण नहीं किया, एक सरकार की गलत नीति के कारण प्रदूषण। किसान सरकार जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार नहीं। फैसला लिया भी इन्हें परचे नजायज़ ने, इन्हें परचों सरकार प्रभाव के नाल तुरंत रद्द करे। नहीं रद्द करती तो असी 27 तरीक न डीसी कार्यालय 24 घंटे का पड़ा पावे और उत्थे 28 तरीक की फिर मीटिंग दोबारा 12 बजे करा। उस पड़ा असी तिखा अंदोलन तिखा करने वास्ते निश्चित कालीन पड़ा भी पा सकते हैं। जे किसान ने मतलब सरकार ने कोई साधन देते है किसान साधन दे देते हैं तो फिर किसान अग ला फिर उसे परचा बनता है। जो साधन ही नहीं दते तो परचा किस गल का करना चाहते, ये मतलब किसान इकट्ठा नहीं है, संगठन नहीं है, किसान उड़ा लिया जाए दवा लिया जाए और परचे भी कि किसानों के पार बना रहे जेडे कमजोर किसान ने। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।